मुझे गर्व है हिंदुस्तान की उस धरती पर जहाँ पर एक ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया जिनके विवाह के केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी थी और उनके पति को युद्ध में जाने का फरमान आ गया। सुबह का समय था, रानी सज धज के राजा को जगाने के लिए आई। तभी महाराणा राज सिंह का एक दूत आकर कहता है कि औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और आपकी सख्त जरूरत है। रानी को यह सुनकर सदमा लगा और उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। लेकिन युद्ध भूमि में पत्नी का मोह रतन सिंह के लिए बाधा बन रही थी तो रतन सिंह ने हाड़ी रानी से उनकी कोई एक निशानी मांगी। ऐसे में हाड़ी रानी को यह समझ में आ गया था कि युद्ध में जीतने के लिए राजा के पत्नी मोह को तोड़ना होगा। इसके लिए हाड़ी रानी अपने अंतिम निशानी के रूप में खुद का सिर काट कर दे दिया, क्योंकि उनको उस गर्दन से ज्यादा चिंता अपने राजपूती मर्यादा का था। राजा हाड़ी रानी के कटे हुए गर्दन को देखते ही रह गए। दोस्तों, आज भले इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हिंदुस्तान के इस महान वीरांगना हाड़ी रानी के लिए कमेंट जरूर करें।